नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बहुत सी मिर्चें जो है घर में पड़ी रहती हैं और हमें पता नहीं रहता है कि क्या करें। बाजार से हम महंगी महंगी ग्रीन चिली सॉस खरीदते हैं, आज हम घर पर बनाएंगे बढ़िया से, बिल्कुल बाजार से भी बढ़िया ग्रीन चिली सॉस, जो कि आपके महीनों चलेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। देखिए कितनी बढ़िया बनी। इसी तरह से आप बनाकर इसको रख सकते हो, महीनों एंजॉय कर सकते हो। बस सारे टिप्स और ट्रिक्स आप फॉलो कीजिए और घर में जो आपकी मिर्चें बची रहती हैं, जो सब्जी वगैरह से आपको फ्री में मिलती हैं, आप उसको वेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल वेस्ट ना कीजिए। इस तरह से बनाकर फ्रिज में रख दीजिए और महीनों इसको एंजॉय कीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं, देखा जाए तो ये 150 ग्राम हरी मिर्च है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। जितनी भी इसके अंदर मिट्टी थी या कोई ब्लैक स्पॉट्स थे वो सब निकल चुके हैं। इसको अब हमने अच्छे से जो है इस तरह से वाइप कर लें और इसकी जो डंडियाँ हैं उसको निकाल लेंगे। डंडियों के साथ साथ इसकी जो कैप होती है इसको भी हमने निकाल लेना है। ये देखिए जैसे ये कैप बनी हुई है इसको भी हम रिमूव कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सारी मिर्चों में से डंडी जो है इस तरह से निकाल लेनी है, इसके साथ साथ जो कैप है वो भी रिमूव कर लेंगे। तो लीजिए सारी मिर्चों को मैंने इस तरह से नैपकिन के साथ पोंछ कर और इस तरह से इसकी जो कैप और डंडियाँ हैं वो उसको रिमूव हमने कर दिया है। अब मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और इसको हमने ऑन कर लेना है। इसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप घर में यूज़ करते हो वो आप डाल सकते हो। तो मैं इसमें जो है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल रहा हूँ। जैसे कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए हम इसके अंदर डालेंगे 5 से 10 लहसुन की कलियाँ और ये छोटा टुकड़ा 2 अदरक के। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं खाते हो तो आप इसको रहने दे सकते हो, उसके बगैर भी हमारी चिली सॉस है बहुत बढ़िया बनेगी। तो ये हम इसमें डाल देते हैं और हल्का सा इसको सौटे करेंगे। अब ये मत सोचिए कि हम लहसुन या अदरक नहीं ऐड करेंगे तो हमारी चिली सॉस जो है बाजार जैसी नहीं बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। इसके साथ ही बस आधा मिनट ही हमने इसको सौटे करा है और इसके साथ ही हम ये हरी मिर्च जो हमने तैयार करके रखी है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको और बस आधे मिनट के लिए ही हम इसको हिलाएंगे। इस तरह इसके अंदर जाएगा नमक, तो वाइट नमक जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं घर पर वो डालेंगे इसमें। तो मैं 1.5 स्पून जो है नमक का डाल रही हूँ, मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/3 कप जो है हम इसमें पानी का डालेंगे। एक बार हिला लेते हैं और ढककर जो है इसको पका लेंगे, गैस का फ्लेम हल्का कर देंगे। तो लीजिए अच्छे से हमारी जो मिर्ची जो है सॉफ्ट हो चुकी है, इसको हमने पकाते हुए 10 मिनट हो गए और लहसुन भी आप देख सकते हो अच्छे से जो है ये गल चुका है, सब चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। इसी तरह से हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए। गैस को स्टेज पर हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चीनी, ये नॉर्मल चीनी है जिसको जो हम घर में यूज़ करते हैं। ब्राउन शुगर नहीं लेंगे, नॉर्मल शुगर जो है वाइट वाली वो लेंगे। तो मैंने जो है इसमें 3.5 स्पून जो है चीनी के डाल दी, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। चीनी भी जो है इस तरह से मेल्ट हो जाएगी, इसको इसी तरह से पड़े रहने देंगे और बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। तो लीजिए हमारी मिर्चें जो हैं ये ठंडी हो चुकी हैं और चीनी भी आप देख सकते हो हल्की हल्की जो है मेल्ट हो गई। अब हम ले लेंगे मिक्सी का जार और इसके अंदर ये सारी मिर्चों को अपनी शिफ्ट कर देंगे, जितनी भी चीनी लगी हुई है वो भी इसमें निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर वाइट विनेगर। वाइट विनेगर वही वाला वाइट विनेगर है जो हम चाइनीज़ खाने में यूज़ करते हैं। तो मैं 1/3 कप के करीब जो है इसमें विनेगर डाल, इसको अच्छे से हमने पीस लेना, अच्छे से इसको हम पीसेंगे। 5 स्पून में हमने इसको पीसना है, तब तक जब तक ये अच्छे से पिसना चाहे। तो अच्छे से ये पिस के ये इसको चेक कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया हमारी जो है ये पिसकर तैयार हो गई है। अगर आपको लगती है कि थोड़ी सी ये गाढ़ी है तो इसमें थोड़ा सा विनेगर हम और ऐड कर सकते हैं। मैं हल्का सा विनेगर इसमें और ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2-3 चम्मच, और इसको जो है एक बार मिक्सी के जार में दोबारा से एक बार घुमा दूँगी। इसको मैंने एक बार चला दिया दोबारा और ये बिल्कुल जो है परफेक्ट बनकर रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ पास से, बिल्कुल परफेक्ट, और कलर भी इसका बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल बाजार जिससे भी बढ़िया जो है हमारी ये ग्रीन चिली सॉस बनकर तैयार हुई है। मिनटों में हमने इसको बना लिया। घर में मिर्चें पड़ी रहती हैं और वेस्ट होती हैं, इसको बना कर रखिए और इसको आप लंबे समय तक जो है इंजॉय कर सकते हो। अगर आप इसी तरह से बनाओगे तो आपकी भी चिली सॉस जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और महीनों महीनों तक बिल्कुल ठीक रहेगी। सिर्फ ध्यान ये रखिए कि जब भी आप मिर्चों को गैस पे रखते हैं, पानी डालते हैं, तो वो पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए, नहीं तो आपकी ग्रीन चिली सॉस जो है जल्दी ख़राब हो जाएगी। ये ध्यान रहे कि पानी नहीं इसमें रहना चाहिए और आपकी चिली सॉस जो है ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट है, कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है। ये ना बढ़िया बाजार से भी बढ़िया हमारी ये बनकर तैयार हो गई है। इसे ट्राई कीजिए, रेसिपी पसंद आए तो खूब शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।